السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى جميع من تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله معزز ومحترم سامعين اكرام ديني واسلامي भाइयों قبر کا ایک خوبصورت منظر اج بھی انشاءاللہ اپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. आज के दर्स का मौजू है कि बंदे मोमिन को उसके नेक आमाल क़ब्र के अजाब से किस तरह बचाते यानी किस तरह से वो सिक्योरिटी बन जाते हैं उसके मुहाफिज बन जाते हैं और किसी भी अजाब को या अजाब के किसी भी फरिश्ते को उसकी कब्र में दाखिल ही नहीं होने देते सारे के सारे वो चारों तरफ से कब्र के खड़े हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है अल्लाह हम सब को आमाल साल की तोफिक मुस्तदर खाकिम की एक हजार चार सौ बाईस नंबर की हदीस है इस हदीस के अंदर जो तरतीब बयान की गई है वो ये है कि जैसे ही लोग बंदे मोमिन को कब्र में दफन कर देते हैं और कब्र में दफन करने के बाद वापस लौटने लगते अभी मुनकर नकीर कब्र में दाखिल नहीं हुए हैं लोगों ने उस मरने वाले को मुसलमान शख्स को क़ब्र में दफन कर दिया अभी मुनकर नकीर नहीं आए इसी वक्त वो फरिश्ते वो अमाल साल दोस्ते होते हैं उस बंदे के जो नेक नेकमाल होते हैं जैसे लोग वापस होने लगते हैं उसकी क़ब्र के चारों तरफ से मुहाफिज बनकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि यही मौका होता है आदमी अकेला हो गया सारे लोग दफन करके चले गए चलो अब इसको आजाद दो इसकी जिंदगी अजाब से दोहर कर दो तो वो अजाब का जो सिलसिला और अजाब के जो फरिश्ते होते हैं उस टाइम वो दाखिल होना चाहते हैं जब लोग उसको छोड़कर चले जाने लगते हैं या उसको दफन करके वापस होने लगते हैं और भी मुनकर नकेर नहीं आए इस हदीस से ऐसा अंदाजा होता है कि यही मौका होता है लोग वापस हो रहे हैं उसके बाद चारों तरफ से वो जो है अजाब उसके अंदर दाखिल होना चाहता है अल्लाह के नबीम ने फरमाया जब लोग मरने वाले को उसकी कब्र में दफन कर देते हैं और दफन करने के बाद वापस होने लगते हैं लौटने लगते हैं तो यह मरने वाला लोगों के जूते चप्पल की आवाज को सुनता और महसूस करता है अब अकेला हो गया अब सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं उसके बाद कानोिन इसी मौके पर उसकी आमाल साल हा चारों तरफ से सिक्योरिटी बनकर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई अजाब उसकी कबर में ना दाखिल हो सके अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया फलैत कान बंदे मोमिन को अगर कबर में दफन कर दिया जाता है और लोग लौटने लगते हैं दफन करके तो उसके बाद फौरन नमाज उसके सिरहान कबर के ऊपर खड़ी हो जाती है सर के पास वकान सोम इंदमीन ही और रोजा उसके दाहिनी जानिब खड़ा हो जाता है रोजा नमाज सिरहाने और रोजा उसकी दाए जानेब वकान जकतार ही और जक़ात उसके बाएं जानिब। तरतीब देखिए नमाज सिरहाने, रोजा दाएं जानिब और जक़ात बाएं जानब वक़ानतमिनदक़ती वसलाती वतीमआरूफ़ वहसानास दिल ही उसके बाद जूसरी नकियाँ हैं बहुत सारी नकियों में तलावत का भी जिक्र है इसी तरह से सदक़ा व ख़ैरात का तस्कर है इसी तरह से सिला रही का तस्करा है लोगों के साथ भलाई करने का तस्करा ये जो और इसके अलावा जो नकियाँ हैं नमाज और रोज़े के अलावा और इसी तरह से ज़क़ात के अलावा जो दीगर नकियाँ हैं वो उसके पैर के पास खड़ी हो जाती सिक्योरिटी देख रहे हैं नमाज सिरहानी खड़ी हो जाती है रोजा जो है दाएं तानिब खड़ा हो जाता है और जक़ात बाएं जानब खड़ी हो जाती है और दीगर जो नेक नकाम है वो पैर के पास सिक्योरिटी हो गई की नहीं सरहाने भी सिक्योरिटी है दाएं तरफ भी सिक्योरिटी है बाएं तरफ भी सिक्योरिटी है पैर की तरफ भी सिक्योरिटी है उसके बाद कहते हैं मिन रासी और उसके बाद अजाब या आजाब के फरिश्ते सबसे पहले सिरहाने आते हैं उसके सर के पास घुसना चाहते हैं कब्र के अंदर तो नमाज कहती है मैं अपने साइड से तो दाखिल नहीं होने अल्लाह सिक्योरिटी बन जाती नमाज दूंगीबली मदखल यहाँ से दाखिल होने का रास्ता ही नहीं है मैं दाखिल होने ही नहीं दूंगी इधर से उसके बाद वही यूथान यमी नहीं और अजाब लाया जाता है या अजाब दाखिल होना चाहता है उसके दाहिने साइड से फुलसउ माकिबली मतखल रोजा कहता है उसका नफली और भी रोजा वो रखा होता है रोजा कहता है मेरे साइड से भी तुम दाखिल नहीं हो सकते फिर अजाब उसके बाएं साइड से दाखिल होना चाहता है बाएं तरफ से दाखिल होना चाहता है फतकुलकत माकिबली मत खल जक़त कहती है मैं अपने साइड से भी दाखिल नहीं हूं देखो इधर से दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं जाओ यहां से इधर से दाखिल होने का रास्ता नहीं है वयु तमिन फिर वो अजाब जो होता है ना उसके पैर के साइड से घुसना चाहता पैर के पास से फैकुल उसके बाद जो दूसरी ने किया है सिला रहमी है सदका है खैरात है और लोगों के साथ उसने सलूक की सारी नकिया पैर के पास खड़ी हो जाती है कहते इधर से भी दाखिले का रास्ता नहीं है उसके बाद जो है

ये हमारी जकत और दीगर नेकल उस वक्त खड़े होते हैं जब लोग छोड़कर जाते हैं कब्र में अकेला उस वक्त से लेकर जब तक वो बंदे के सवालों के जवाब में कामयाब नहीं हो जाता जब तक उसकी जन्नतना नहीं बिछा दिया जाता जब तक उसे जन्नती लिबास नहीं पहना दिया जाता जब तक अल्लाह की तरफ से उसको खुशखबरी नहीं सुना दी जाती कि की सोजाल उस दुल्हन की तरह जिसको उसका महबूब शोहर और रिश्तेदारी जगाएगा उस वक्त तक वो खड़े रहते हैं ऊपर कितनी इबरत और नसीहत की बात है और दिल को किस कदर खुशी महसूस होती है अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमाए उस वक्त से जब तक लो, जब लोग छोड़कर जाते हैं उस वक्त से उस वक्त तक वो आमाले सालिया उस पर सिक्योरिटी बनकर उसकी कब्र पर खड़े रहते हैं जब तक उसे वारत नहीं दी जाती और जब तक वो जन्नत के बिस्तर पर लेट नहीं जाता जन्नती लिबास पहन नहीं लेता कितनी बड़ी नेमत है ये आमाल साल जिससे हम लोग भागते और ये अशर दिल हीज अल्लाह तला का बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह हमें इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नैकियाँ करने की अदा तो फरमाए पहली बात इस से मालूम हुई कि ढाल बन जाते हैं और जब तक बंदे मोमिन को जन्नत के लिबास नहीं पहना दिए जाते जन्नत की जो है बिस्तर पर लेटा नहीं दिया जाता उसको आराम करने के लिए नहीं कहा जाता उस वक्त तक वो हटते नहीं है। उसके बाद जब वो बिस्तर पर लेट जाता आपने इससे पहले भी सुना जन्नत की कि खोल दी जाती है फिर वो उसकी कबर में आके मुलाकात करते पूरा मरहला तय हो जाता है कामयाबी का उसके बाद वो कबर में दाखिल होते हैं कि अब वहां आजाद दाखिल हो ही नहीं सकता कि जन्नत के बिस्तर पर लेट चुका है अल्लाह ने खुशखबरी तो दूसरी हुई कि ये महीद को दफन करने और मुनकर नकीर के आने के दरमियान का होता है तीसरी बातें मालूम हुई कि तमाम नेकियों में इस्लाम कबूल करने के बाद पहली अहम नेकी नमाज है हाय मुसलमानों की बदामली पर अफसोस होता है रमजान के अलावा इनकी नमाज गायब होती है रमजान के अलावा नमाज नहीं पढ़ना चाहते और पहली सिक्योरिटी कौन अमल बनता है मालूम है नमाज आप गौर कीजिए कि आप हमारी और आपकी मौत हो जाए और हमारे पास नमाज की दौलत ना हो नमाज की इबादत ना हो नमाज की नेकी ना हो आजाब दाखिल होना चाहेगा हमारे पास नमाज नहीं रहेगी क्या आजाब दाखिल होगा कि नहीं होगा कोई उसको दाखिल होने से बचा पाएगा और सिरहाने तो बहुत खतरा है सर के पास अगर दाखिल होगा आजाब का फरिश्ता या कोई भी आजाब दाखिल हो सांप की शक्ल में बिच्छू की शक्ल में या आजाब के फरिश्तों की शकल में फिर इंसान के लिए खैर नहीं है ये नमाज ही गायब है काश को सोच लें इस पर गौर कर लें कि सबसे बेहतरीन मुहाफिज हमारे अमाल में जो हजाब कब्र से बचाने वाला अमल होगा वह नमाज होगी इसे पता चलता है सिरहाने कौन होगा नमाज होगी इसी तरह से इस हदीस से बात भी मालूम होती है कि हकीकत में दुनिया दारुल अमल है जैसा अमल करोगे वैसा अंजाम सामने आने वाला है आंख बंद होने के बाद मौत का फरिश्ता सामने आने के बाद हकीकत खुल जाएगी अल्लाह ताला हम सबको यकीन फरमाएगी दुनिया अमल है और आखिरत दारुल जजा है आखिरी बात यह कि जब दुनिया की बुनियादी जरूरत रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें सख्त से सख्त और मुसलसल जिद्दोजहद की जरूरत करनी पड़ती है

या अल्लाह की जन्नत बहुत महंगी है अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि कुछ भी करते रहो जैसे चाहो जिंदगी गुजारो जन्नत मिल जाएगी इसीलिए ने फरमाया ना फरमा फोन जन्नत फास। जो जहन्नम से बचा लिया गया जन्नत में दाखिल कर दिया गया उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली जब दुनिया की बुनियादी जरूरत के लिए अठ अठ घंटा हम मेहनत करते हैं दस दस घंटा मेहनत करते हैं सोलह सोलह घंटा काम करने वाले काम करते हैं उसके बावजूद भी दुनिया की बुनियादी जरूरत है हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर जन्नत इतनी आसानी से कैसे मिलने वाली है अल्लाह से दुआ है कि आलमीन हमें आखरत की अहमियत को समझने और उसकी भरपूर तैयारी करने की तौफीक तो अदा फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा अमीन सल नबी करीम ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान